न्यूज पे आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। इस वक्त मैं हिसार के एचयू के अंदर मौजूद हूँ, जिसे एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है, यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एचयू। आप मेरे पीछे जो यहाँ पर कर्मचारी देख पा रहे हैं, ये सारे सारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, जिन्हें नए साल का तोहफा दिया गया है एचयू की तरफ से। यहाँ नए साल का तोहफा किस लिए दिया गया है, क्योंकि इन सभी को कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर हायर किया गया था, लेकिन नए साल के अंदर इन सभी को निकाल दिया गया है। एचएयू का जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ था किसी कंपनी के साथ में, और उस कंपनी ने जो ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, ठेकेदार के थ्रू ये सब हायर किए गए थे। लगभग जो है पिछले बहुत सालों से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कई लोग तो 7 से 8 साल भी पुराने हैं जो दिन रात अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे थे। लेकिन अब एचएयू की तरफ से एक नया तोहफा इनको मिला है नए साल के अंदर 2021 के अंदर। इनको जो है टेंशन तोहफे के अंदर दी गई है। टेंशन इसलिए दी गई है क्योंकि इन सबको यहाँ से निकाल दिया गया है। लगभग जो है 13 से 14 हजार रुपए की सैलरी ले रहे थे। अगर सुपरवाइजर की बात करूँ तो सुपरवाइजर यहाँ पर 18 से 19 हजार की सैलरी ले रहे थे, लेकिन उसके बाद जब वीसी से बात करने की कोशिश की गई तो वीसी जो है यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल नहीं मिले। रजिस्ट्रार तक बात पहुंचा गई है, कुछ ही समय में रजिस्ट्रार के पास भी जाएंगे बात करने के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाती हूँ यहाँ पर सुपरवाइजर से कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। सर, आपका नाम क्या है, और आखिरकार हम जानना चाहते हैं कि आपको जो ये तोहफा दिया गया है, उस तोहफे का जो है एचएयू के ऊपर कितना असर पड़ेगा। मेरा नाम सुबेदार दिलबाग सिंह नैन है जी। मैं एचयू के अंदर सुपरवाइजर की ड्यूटी कर रहा था, उसके ऊपर हमारे को यहाँ दो कंपनियां डीलिंग कर रही थी जी। एक स्काईलॉप्स, एक इनेटिव। हमारे को, हम इनेटिव के थे जी। उनको 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है जी। बट किसी कारणवश इनेटिव अपना मतदान छोड़ के चली गई, जबकि प्रक्रिया ऊपर से ये कि उस जो कंपनी है उसको मर्ज करना था जी। उन्हें मतदान को दिया है, और हमारे को साल में नया एक परिवार को हमारे को टेंशन दी है। अच्छा, मर्ज करने के लिए कहा गया था, तो मर्ज क्यों नहीं किया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया होगा, कोई तो लीगल नोटिस होगा। मुझे ये नहीं पता कि ये तो प्रशासन बताएगा जी, कि उनको मर्ज करने के लिए बताया था या रास्ता दिखाने के लिए था, या मैं ये नहीं कह सकता कि प्रशासन की नॉलेज में वीसी और रजिस्ट्रार की है कि नहीं है। हाँ। हम ये आवाज वीसी साहब और रजिस्ट्रार तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये नीचे हो रहा है या आपकी नॉलेज में है कि नहीं है। अच्छा, ये जानना चाहूंगी कि कितनी तनख्वाह आपको मिलती थी, और यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध है जिनको निकाल दिया गया, इनको कितनी तनख्वाह दी जा रही थी। हमारे को डीसी रेट जो भी आज सुपरवाइजर का डीसी रेट वो दिया जाए, जो डीसी रेट इनके सिक्योरिटी गार्ड का उनको दिया जा रहा है। तो क्या आपके काम में कोई कमी रही, किस कारण से? हमारे काम में ये तो हम संतुष्ट करेंगे कि काम में कमी पाई गई थी। हमें जो ड्यूटी दी गई रात के समय, हमने 10 महीने लगातार किया है, कोई 10 दिन करके दिखाया कि नाइट ड्यूटी। मैंने 10 महीने लगातार कंटिन्यू नाइट किया, सब नाइट ड्यूटी करने वाले। कोविड-19 के अंदर भी आप लोग यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। हमने हर सिक्योरिटी को स्क्वेयर कर रखा कि ताकि कोई भी हमारे अंदर मेरिट अकोमोडेशन है, या कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, या कोई भी हमारे प्रशासन उनको किसी को बीमारी ना फैले। हमने हर आदमी के साथ में रिक्वेस्ट के तौर पर मोटिवेट करके उनको रोका है। हमने सेफ्टी रखी, जो एचयू का कोई भी केस ज्यादा से ज्यादा, बहुत कम कोई बाहर का केस आ गया तो आ गया, नहीं बट हमने कोई केस अंदर ट्री नहीं होने। जितने भी लोग हैं सभी को अपने परिवार की इन्हीं के ऊपर जिम्मेवारी होगी पूरी। बिल्कुल, ये सभी अपने जिम्मेवार बंदे हैं, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, अपना जो जितने परिवार और लोग जो है इसे आहत होने वाले हैं, कितने लोग? तकरीबन मैं अप्रोक्सली बता सकता हूँ, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, 100 के लगभग परिवार हो सकते हैं इसमें। हाँ, तो कुछ लड़के 100 के लगभग परिवारों को निकाल दिया गया है। अच्छा, इसके पीछे आप गलती किसकी मानते हैं? गलती तो सर गाइडनेस करने के लिए, प्रशासन की गलती है, उनको सही गाइड किया कि ताकि इन लोगों को यहीं रखा जाए, मर्ज किया जाए, और ठीक ठाक स्मूथली काम चले, और कोई आंदोलन ना हो और कोई बाजी ना हो। पहले कुछ निकाला गया है, पहली बार हुआ है। पहले ये हुआ जब हमारे से आप लगे हुए हैं? हम तो सर मेरे को 1 साल हो गया सर, 1 साल हो गए, और मेरा किसी को साल हो गया, मेरे को 5 साल हो गए। और नीचे के सर, मैं इंडियन आर्मी के अंदर 30 साल नौकरी करके, मैंने CI, मेरी 12 साल कश्मीर की नौकरी है, हमने सिक्योरिटी किया है,
बट 25 साल का एज का लड़का सुपरवाइजर लगा दिया, मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है या उसका ज्यादा है? बिल्कुल, आपकी उम्र कितनी हो चुकी है? मेरी उम्र 55 हो गई है। अच्छा। आपने यहाँ सेवाएं दी है तो क्या लगता है ऐसे 10 साल बाद किसी को निकाल दिया जाए, कहाँ जाएगा वो? नहीं, निकाले तो पहले नहीं थे वकील। एक हैंडीकैप है, आप देखो सर, ये हैंडीकैप टांग कटी आर्मी से, इधर आओ, ये अपना टांग, दूसरी डुप्लीकेट टांग है, जब भी अपना परिवार चला रहा है। आप विकलांग में हो? हाँ सर। अच्छा, पाँव से विकलांग, कितने परसेंट में? मैं 70% 70%, मतलब एक पाँव आपका काम नहीं करता बिल्कुल? आर्टिफिशियल सर। अच्छा, आर्टिफिशियल। लेकिन इधर फिर भी 6 साल हो गए सर। 6 साल आप यहाँ काम कर रहे थे, अपनी सेवाएं लगातार दे रहे थे, कोई शिकायत नहीं मिली? ना ना ना, शिकायत हमको रीजन तो बताओ बाप में कमी है, 6 साल कर दी तो अभी एक दिन में क्या हो गया? आपको बगैर रीजन बताया, बगैर 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 कोई नोटिस नहीं है, कोई नहीं है? अच्छा, कोई लीगल नोटिस नहीं दिया गया? कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं। जहाँ पे दूसरे चौटाला कह रहे हैं 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, अरे सर कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, 10 तो कम माइनस में चल रही है। अच्छा, हाँ, इधर तो बुरा हाल है सर। जी आपका क्या कहना है, 10 लाख लोगों को? मैं वो तो एक को भी नहीं दे रहे, जो है उनको भी निकाल, उनकी ये पॉलिसी है बिल्कुल गलत है। चौटाला की तरफ से कहा गया था कि कहीं कहीं जो सरकारी नौकरी उपलब्ध नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर रखा जाएगा, तो इस तरीके से अगर आप लोगों को निकालते रहे तो आगे किस तरीके से जो है नौकरियां मिलने वाली है? कुछ नहीं, भ्रष्टाचार और ज्यादा फैल रहे हैं, पैसे ले ले गए हैं, भर्ती कर रहे हैं और जिनको निकाल रहे हैं, और कुछ नहीं है। कारण जो ये कर रहे हैं नहीं भाई, हम भ्रष्टाचार रोक रहे हैं ज्यादा। मैं बताऊँ, फर्जी हाजिरी ली गई है, बंदा दुकान पे काम कर रहा है और फर्जी हाजिरी यहाँ लगी है, हमने उसको इंडिकेशन किया कि ये फर्जी हाजिरी गलत है। मैं सीएसओ साहब को बताया कि साहब ये मेरा फर्ज बनता है कि हो सकता है कल वो किसी के साथ झगड़ा कर दे या डकैती डाल ले या मर्डर कर दे या रैप कर दे, कि वो तो यहाँ ड्यूटी दिखाया गया है। ऐसे ऐसे केस भी फर्जी आइडिया लगा करके फर्जी पैसे लूटने का, ड्यूटी ड्यूटी भर दी गई है, बंदा है नहीं प्रेजेंट यहाँ पर, बंदा अपने बाहर काम कर रहा है। कब से हो रहा है ये? कब से हो रहा है ये सर? 11 सितंबर को ड्यूटी पे बुलाया मैंने। मैं बोला सर मेरा काम है आपकी नॉलेज में डालना, कल कोई बात हो तो बोले कॉन्ट्रैक्टर ये सुपरवाइजर जाने, हमने तो ठेका दे रखा है। मेरे को बोला ये तो ऐसे ही लगेगी। कौन बोला? सीएसओ साहब। अच्छा, जिन जो लोग नहीं आते क्या उनकी कोई जानकारी है सीएसओ से? तो उसके फादर वही नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, सिक्योरिटी ऑफिस में कदर की ड्यूटी पर। तो मैं बोला सर मेरा काम आपकी नॉलेज में डालना। तो उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया रही? बोला उसके बाद में आ गया ड्यूटी पर अगले दिन, मैं उसके पूछा तेरा कोड क्या है जो ड्यूटी भरने लगा? बोला मुझे मालूम नहीं है। जब उसके ड्यूटी का कोड का पता नहीं है, मेरी कोड है 1078। अब आगे किस तरीके से आंदोलन को तेज करेंगे? हम आंदोलन ये करेंगे सर, यदि हम इससे ज्यादा होता होगा हम बिल्कुल आंदोलन करेंगे। हम विज्ञापन सौंपेंगे वीसी को, डीसी को और जितने हमारे इधर राज्यसभा का इशार का एमपी है और हमारे ये जो श्रम विभाग मंत्री हैं अनूप धानक साहब, उसको भी हम ज्ञापन सौंपेंगे। धरना और प्रदर्शन भी करने वाले? धरना प्रदर्शन करेंगे बिल्कुल, एक नंबर गेट के ऊपर सोमवार से, ज्यादा सोमवार से। हाँ, सोमवार से बिल्कुल। और जितने भी हमारे जो लोग संस्था के लोग हैं, जो भी कर्मचारी, उनको बुलाया ऐसे ही चलेगा जी, जब तक हमें नहीं मिल जाता जितने भी जी, जहाँ तक जाएंगे जहाँ तक जाएंगे आगे तो जाएंगे। हम से कहना चाहते हैं कि जो वादे राज्यसभा के अंदर आप बोलते हो उनको पूरा करो, लोगों की समस्या सुनो, ग्राउंड में क्या है और कागजों में क्या है वो नहीं होना चाहिए, जो ग्राउंड और ऑन ग्राउंड की चीज देखो आकर। ये हमारे साथ यहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड थे जिन्हें एचएयू प्रशासन की तरफ से बिना कोई लीगल नोटिस दिए निकाल दिया गया है। जहां एक तरफ दुष्यंत चौटाला दावा करते हैं कि हरियाणा के ही युवाओं को 75% जो है रोजगार दिया जाएगा, वहीं पर जो है इनको कहा जाता है कि आप लोगों को यहां से निकाल दिया गया है, वो भी बिना बताए। इनके अंदर गुस्सा है, आक्रोश है, क्योंकि बिना बताए जब एक ही बंदा घर के अंदर कमाने वाला हो उसको इस तरीके से निकाल दिया जाए तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि किस तरीके का गुस्सा जो है मन के अंदर फूटता है। कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि चाहे सरकारी नौकरी उपलब्ध ना हो लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो है इनको नौकरियां दी जाएंगी, चाहे डीसी रेट के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट रेट के ऊपर जो है इनको रखा जाए। आगे देखते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है आगे करके।